दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का वायरल पेपर जो बोर्ड एग्जाम 2025 में यही पेपर आएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आज का यह वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2025 में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लेना। पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। यह पूरा वीडियो देख लिया तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2025 विज्ञान का वायरल पेपर, पेपर कोड 931824 EA। ऊपर आपको अनुक्रमांक और नाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपके 70 नंबर के रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि समान निर्देश में कुछ निर्देश को दे दिया है। निर्देश को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है कि कैसे आपको पेपर करना है। चलिए सबसे पहले निर्देश को देख लेते हैं, उसके बाद पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा नंबर, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा, खंड अ तथा ब 3 उपखंड, उपखंड क, ख और ग में विभाजित है। चौथा दिया कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। चौथा नंबर दिया कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठा नंबर दिया है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। सातवां नंबर दिया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। आठवां नंबर दिया कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड एक नए पृष्ठ से आरम्भ करेंगे। दसवां नंबर दिया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया है खंड अ, उपखंड क। यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको आपको OMR शीट पर करने रहेंगे। यह तीनों बहुविकल्पी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। आपके ऑप्शन है ए आई माइनस आर, बी आई प्लस आर, सी आई इंटू आर और डी साइन आई बाई साइन आर। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आई माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ताप बढ़ाने पे किसकी चालक वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आपको बताना है। आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है कौन से रंग में होता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बैंगनी रंग का, बी हरे रंग का, सी पीले रंग का और डी लाल रंग का। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगनी रंग का। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसके जवाब आपको भी पता होंगे। यदि आपको 95% लाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल पेपर फुल सोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएंगे। एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, -10 सेमी। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है कितनी होती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 10 × 10⁻¹⁹ कूलम, बी 6.25 × 10⁻¹⁹ कूलम, सी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और डी -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन दिया कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा कितना होगा, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 9 गुना, बी 3 गुना, सी 1/9 गुना और डी 1/3 गुना। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया कि एक स्वस्थ आग के लिए दूरस्थ बिंदु है, आपको बताना है, जिसके जवाब आपको भी पता होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कमेंट करते रहेंगे। आपके ऑप्शन है ए 25 सेमी, बी 25 मीटर, सी 100 सेमी और डी अनंत पर। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सेमी। नेक्स्ट, यहाँ हम देख सकते हैं कि दिया है उपखंड ख। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया कि Fe2O3+2Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए संयोजन अभिक्रिया, बी
द्विस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया और डी विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 1, बी 4, सी 5 और डी 10। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। नेक्स्ट दसवां नंबर दिया है कि निम्न में से प्रबल क्षार है, कौन सा प्रबल क्षार है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ली हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए Mg मैग्नीशियम, बी PT प्लाटिनम, सी CU ताम्र और डी HG पारा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CU ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, हम आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अम्ली लवण है, कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए NaCl सोडियम क्लोराइड, बी NaHS सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, डी NCN नाइट्रोजन रंगहीन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तब हम कमेंट में ही राइट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दिया है उपखंड ग, ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। नंबर क्वेश्चन दिया कि यकृत स्रावित करता है, किसको स्रावित करता है। आपके ऑप्शन है ए लार, बी जठर रस, सी पित्त रस और डी अग्नाशयिक रस। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पित्त रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि पादकों में जाइलम का कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए उत्सर्जी वज्र पदार्थ का संवहन, बी जल का संवहन, सी भोजन का संवहन और डी अमीनो अम्लों का संवहन। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि परागनली में नर युग्म की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है। कि ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 8। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, परागनली में नर युग्म की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 15 जोड़े, बी 31 जोड़े, सी 21 जोड़े और डी अनिश्चित। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 जोड़े होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि पराकोष में होता है, क्या होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बाह्यदल, बी वार्तिका, सी अंडाशय और डी परागण। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, यही लास्ट आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि F2 पीढ़ी में 3 अनुपात के 1 अनुपात होता है। आपके ऑप्शन है ए संकर क्रास में, बी द्विसंकर क्रास में, सी ए तथा बी दोनों भाग में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए संकर क्रास में होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिया है खंड ब उपखंड क, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दिया कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको ज्ञात करना है, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया कि बायो सेवन नियम क्या है आपको बताना है, ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। हम आपको 2025 का वायरल पेपर दिखा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा, इसलिए
आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर भी फुल सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक घंटे में 50 विभवांतर से 9600 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने से उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। यह भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v का निगमन कीजिए, जहां f के अर्थ है। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि अथवा करके दिया है, आपको एक ही करना रहेगा। अथवा करके दिया है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त करना है। ये भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है, आपको एक ही करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिया है उपखंड ख। 25 नंबर दिया कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। देख सकते हैं कि आपको इसको संतुलित करना है। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। क्या होता है जब उसे हवा में खुला छोड़ा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखिए। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियों का आपको वर्णन करना है। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा करके दिया रहेगा, आपको जो आता है वो करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण सहित आपको समझाना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं कि दिया है उपखंड ग। ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आमाशय किसे कहते हैं? इसके 3 प्रमुख कार्य आपको लिखना है। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों कौन सी हैं, आपको बताना है। ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्व परागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इसके लाभ एवं हानियाँ आपको लिखना है। ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, यही लास्ट आपके क्वेश्चन रहेंगे कि मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले विकारों एंजाइम्स के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अथवा करके दिया रहेगा, आपको एक ही करना है। यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।